हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास पानीपत के एक नामी शराबी कारोबारी के पूर्व ड्राइवर ने शिकायत सौंपी है कि वो कारोबारी नरेंद्र नारवाल ने उसके नाम से शराब के ठेके लिए और उस पर अवैध तरीके से शराब बेचने का काम किया है, जिसके लिए उसे जेल तक जाना पड़ा। ड्राइवर के मुताबिक उसकी तनख्वाह मात्र 15,000 थी और जिस शराब कंपनी के ठेके उसके नाम थे उस कंपनी ने 110 करोड़ का कारोबार किया। अब उस नरेंद्र नारवाल के पास से काम छोड़ दिया है, जिसके बाद अब उसे जान का खतरा है। मेरे नाम से कारोबार चला हुआ था 110 करोड़ रुपए का। दारू का कारोबार था? दारू का, L1, L13 और L2 मेरे नाम से लिए हुए थे। किसने लिए हुए? नरेंद्र नारवाल जी ने। तो अब आप क्या चाहते हैं और क्या हुआ है आपके साथ? बोले मैंने अनिल जी को सर को अपनी दरखास्त दी है और मैंने उनको अपना बयान और सारा कुछ लिखवा दिया है। अब उन्होंने मेरे को सिक्योरिटी के साथ में पानीपत SP साहब को सौंपने का वादा किया है। क्या कुछ मामला हुआ, क्या घटना हुई आपके साथ, कुछ जानकारी? यही है क्या, नकली शराब के उसमें भी मेरा नाम आ गया। कुछ भी होता है उधर तो मेरा ही नाम आता है, पर्चा दर्ज मेरे नाम से ही होता है। वजह क्या है, आपके नाम से पर्चा क्यों दर्ज होता है? क्योंकि उन्होंने एक फर्म मेरे नाम से ली हुई है। आप वहाँ पार्टनरशिप है उनके साथ? नहीं सर, मैं उनका ड्राइवर था। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई? बस सर, मेरे नाम से ये पर्चे पुर्चे नहीं होने चाहिए और बकायदा ये मेरे से बगैर पूछे ही, ये जैसे कि मेरे को है ना ड्राइवरी लाइसेंस है भी बनाने के लिए उन्होंने कागज लिए थे, बिजिंदर ने, वो कोर्ट का काम करता है, उन्हीं के चलते हुए उन्होंने मेरे नाम से अकाउंट खुलवा दिया। वहीं अनिल विज ने शिकायत सुनते ही तुरंत एक्शन लिया और पानीपत पुलिस को एक्शन लेने और पीड़ित कुलवीर सिंह को सुरक्षा देने के आदेश दिए। जितनी देर कुलवीर अंबाला में रहा तब तक उसे अंबाला पुलिस ने सुरक्षा दी। साथ ही पानीपत पुलिस को अंबाला से ही आकर सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया। मैं लोगों की शिकायतें सुन रहा था तो उस दौरान पानीपत से एक व्यक्ति आया, कुलवीर मलिक। उसने कहा जी मैं ड्राइवर हूँ ठेकेदारों के पास, शराब के ठेकेदारों के पास, और मुझे 15,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है, लेकिन ठेकेदारों ने लगभग 210 करोड़ का काम मेरे नाम पर ले रखा है। अगर कहीं उनकी नकली शराब पकड़ी जाती है तो अरेस्ट मुझे होना पड़ता। तो मैंने फिर SP को कहा कि वह इनकी FIR दर्ज करो और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, क्योंकि जो इतनी बड़ा रियलिटी बता रहा है उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और मैंने उसको कहा कि आप पुलिस भेजो यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने पास से, मेरे सामने वो बता रहा है तो मैं अपने पास से उसको अनसिक्योर नहीं जाने देना चाहता। तो वहाँ से पानीपत से पुलिस की जिप्सी आई है और उनको हमने उसकी दरखास्त भी दे दी है कार्रवाई करने के लिए और वो आदमी भी उसके हैंड ओवर कर दिया। मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर को भी फ़ोन करके कहा कि ऐसा केस हमारे सामने आया है और ये आपके संज्ञान में है। मैंने EDC को भी कहा है कि ये ऐसा मामला है और ऐसे और भी मामले हो सकते हैं हरियाणा में, अगर ये एक है कि इतने इतने बड़े काम एक अपने एम्प्लॉय के नाम पे ले रखा है तो और भी काम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स का बहुत बड़ा एवेजन हो रहा है सारी स्टेट में, अगर और भी निकलते हैं तो इट इज देयर कंसर्न। तो उन्होंने भी सीरियसली लिया, हमने वो कंप्लेंट की कॉपी EDC को भी और एक्साइज के ACS को भी, इनकम टैक्स को भी और SP को भी हमने भेज दिए कार्रवाई करने के लिए। गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद पानीपत पुलिस अंबाला पहुंची और देर शाम पीड़ित कुलवीर को सुरक्षा प्रदान की गई और अपने साथ पानीपत पुलिस लेकर आई। पुलिस के SI ने बताया कि गृह मंत्री और उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद वो कुलवीर को साथ सुरक्षा में ले जाने आए हैं। आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार की जाएगी। और मैं अपने उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार PWD रेस्ट हाउस अंबाला कैंट पहुंचा हूं सर, और होम मिनिस्टर साहब से मिला हूं। होम मिनिस्टर साहब ने मेरे को एक बंद लिफाफा दिया है और एक कंप्लेनेंट जिसने दरखास्त होम मिनिस्टर साहब को दी है उसको सिक्योरिटी के साथ मैं पानीपत लेके जाऊंगा और अपने उच्च अधिकारियों के सम्मुख पेश कर दूंगा। आगे जो कर अफसर आदेश देंगे मैं उनके सम्मुख पेश करूंगा और इतनी देर मेरी तहवील में रहेगा मैं इसको पूरी सिक्योरिटी का जिम्मेवार हूँ सर। सर, ये सिक्योरिटी परमानेंट जब तक मसला चल रहा है तब तक रहेगी या पानीपत तक ले जाने की? सर, मेरे को तो फिलहाल पानीपत तक के आदेश हैं, यदि मेरे उच्च अधिकारी जो मेरे को आदेश देंगे मैं उसकी दृढ़ता से पालना करूंगा सर।
बहरहाल पीड़ित कुलवीर सिंह के मुताबिक नरेंद्र नारवाल ने मिस्टर कुलवीर कंपनी बनाकर 110 करोड़ रुपए का कारोबार किया। ऐसे में जब भी कोई हादसा या फिर पुलिस शराब पकड़ती थी तो पीड़ित को थाने जाना पड़ता था। अब कुलवीर को अपनी जान का खतरा है, ऐसे में वो अनिल विज के दरबार पहुंचा, जहां गृह मंत्री ने उनको पुलिस सुरक्षा दी है। सत्य खबर के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।